वेलकम बैक टू जिंजर स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं स्निक एंड रिक, और आज हम बात करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में जो आज एक मुनफरद वाकया पेश आया है, और स्पीडोमीटर क्या खराब हुआ है, क्या हुआ सिनेरियो, वो आपके साथ डिस्कशन करें जा रहे हैं। तो क्या सिनेरियो ने असल में 200 किलोमीटर आर और 134 माइल्स पर आर की बॉल करवा के शुएब अख्तर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, कि असल में ऐसा है या नहीं है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। चैनल को आपने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, और साथ में लगा जी यहाँ पर एक बेल का आइकन, उसको प्रेस करके आपको क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहा करेगी। स्टार्ट कर दीजिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हसन अली ने यहाँ पर एक बॉल करवाई अपने पहली दूसरी बॉल, उसके ऊपर स्पीडोमीटर पे लिखा है 134 माइल्स पर आर, किलोमीटर नहीं, 134 माइल्स पर आर, जो कि अराउंड 211 किलोमीटर पर आर होते हैं। इसका ये मतलब था कि बॉल शुएब अख्तर की 161 किलोमीटर आर की बॉल से भी ज़्यादा तेज थी, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें फैलाना शुरू कर दी गई कि ये बॉल दुनिया के क्रिकेट की सबसे तेज बॉल आज हसन अली ने करवाई है, और हसन अली बैग विद द बैंग आए हैं। सबका गुस्सा हसन अली ने यहाँ पर निकाल दिया है, ये यहाँ पर बातें की गई, और ऐसा कतई तौर पर नहीं है। ये यहाँ पर एक स्पीडोमीटर की गलती नजर आती है, क्योंकि 200 किलोमीटर आर की बॉल करवाना एक ह्यूमन के लिए क्वाइट इम्पॉसिबल है, क्वाइट नहीं, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। अगर वो है हिप्टा कप्टा बंदा है, वो ऐसे ठाम मारे बॉल, अच्छा ही होता है 200 किलोमीटर की बॉल, बट इतना आसान नहीं होता जैसे फैलाया जा रहा है खबरों का कि 200 किलोमीटर की बॉल करवाई गई है। 180 तक टच करना एक ह्यूमन के लिए, दैट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, और दैट्स रियली इम्पॉसिबल। और यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वो ये है कि 200 किलोमीटर की बॉल करवाई हसन अली ने, अब फेक न्यूज़ है ये, मतलब न्यूज़ तो सही है कि वो स्पीडोमीटर पर तो आया, स्पीडोमीटर की ये गलती है। और अगर मैं आपको बताऊँ तो एक दफ़ा पहले भी ये क्रिकेट में हो गया था, अंडर-19 क्रिकेट के अंदर इंडिया के एक बॉलर ने, श्रीलंका के एक बॉलर ने बॉल करवाई थी, कहीं से मुझे याद नहीं है, वो बॉल भी अराउंड 170 किलोमीटर स्पीडोमीटर पे शो हुई थी, लेकिन आराम से बॉल गई थी, आराम से वो बीट हुए थे, और आराम से कीपर ने पकड़ ली थी। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, कोई इतनी तेज बॉल नजर भी नहीं आई, तो मेरे ख्याल से स्पीडोमीटर का फॉल्ट है और ऐसी बॉल नहीं हुई है, ये तो कन्फर्म है। फॉल्ट किस चीज़ का है ये मुझे समझ नहीं आता है, शायद वो टाइपिंग एरर हो गया हो, 111 लिखना हो, नहीं करते ऐसे तो नहीं हो सकते, मतलब आई थिंक, मतलब पॉसिबल स्पीडोमीटर का एरर होगा। तो चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल का आइकन प्रेस करें, इंस्टाग्राम के द्वारा मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और आप लोग कमेंट्स के अंदर ये भी लास्ट में सकता है कि जब आपने ये देखी बॉल और क्या आपको लगी कि ये 150 से ऊपर की बॉल थी, बाकी आप हसन अली के परफॉर्मेंस के ऊपर बताएं कि हसन अली ने आज पहले आते साथ ही विकेट हासिल की, तो क्या कहते हैं हसन अली की परफॉर्मेंस के बारे में, वो भी आप लोग कॉमेंट बॉक्स के अंदर लास्ट में बताएं। इंस्टाग्राम पर अगर आपने देखा तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, फेसबुक पेज पर अगर आप देखें तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ट्विटर के ऊपर मुझे फॉलो करके कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।